हाँ, कल क्या क्या किया था? कल एक मेजर कॉन्सेप्ट सीखी हम लोग ने फंक्शन का। मेजर कॉन्सेप्ट सीखे फंक्शन का। फंक्शन क्या रहता? कभी पढ़े ना रे? फंक्शन क्या रहता? नोट्स निकालो, लिख के रखो। हाँ, क्या रहता फंक्शन? हाँ, क्या एक्शन? अच्छा, तेरे हिसाब से एक्शन। हाँ, और क्या रहता है फंक्शन? ऑनलाइन कोई बोल सकता चैट में? वर्ब, एक्शन, वर्ब। ठीक है, ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई। कल जो डेफिनेशन बताया मैंने उसके हिसाब से क्या है फंक्शन? हाँ, कल मैंने लिख के बताया था तुम लोगों को नोट्स में कि फंक्शन क्या रहता। किसने नोट्स निकाला? हाँ बोलो सर, फंक्शन क्या रहता है? हाँ, इनपुट तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ, पैरामीटर सर, 1 और 2। अच्छा, उसमें 1 और 2 इनपुट पैरामीटर रहते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ तेजस्वी, बोलो। सर, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। एक मिनट, मेरे तुम लोग की आवाज थोड़ी कम हो रही है। हाँ अभी बोलो। राइट, सर, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। यू क्रिएट अ फंक्शन वंस एंड कॉल इट मल्टीपल टाइम्स एट डिफरेंट लोकेशंस। मतलब अलग अलग जगह कोड में अलग अलग जगह पर कॉल कर सकते हैं। तो इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। अ ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक कॉमन कोड जो बार बार कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, एक कॉमन कोड। सो वो फंक्शन कैसे लिखते हैं या फंक्शन बनाते कैसे? ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। बनाते कैसे है फंक्शन? हाँ हाँ उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, उसमें कोड रहता तुम्हारा मेन। स्लैश वगैरह नहीं है? स्लैश का ही क्या क्या है फंक्शन? पहले तो फंक्शन का नाम, मतलब पहले तो फंक्शन लिखने का, फंक्शन ये कीवर्ड है। पहले फंक्शन लिखने का, फंक्शन का फिर नाम देने का, फिर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर उसको जितने भी इनपुट पैरामीटर्स लग रहे हैं वो देने का, और फिर कर्ली ब्रैकेट में उस ये कर्ली ब्रैकेट से उन्हें स्टार्ट होता और ये बंद वाले कर्ली ब्रैकेट से वो एंड होता, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड रहता। आया क्या याद? तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्या घर पे जाके? कल का कोड किसने किसने करा? कल का कोड किसने किसने करा? फंक्शन बना के लाइट बल्ब को ऑन ऑफ करना या घर पे जाके मैंने सबको प्रैक्टिस करने को बोले वाला है? क्या हुआ?
प्रैक्टिस करो, बार बार बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करो। हाँ चलो, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और क्या पढ़ा था कल? फंक्शंस तो पढ़े ही पढ़े, और क्या पढ़ा था? अलर्ट अलर्ट, विंडोज विंडोज अलर्ट, और राइट पढ़े कंसोल राइट फंक्शन, और कंसोल कंसोल फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अलर्ट इनर HTML डिस्प्ले पर। इसको इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्ले डिस्प्ले, जावास्क्रिप्ट में डिस्प ले प्रॉपर्टीज, या फिर डिस्प्ले कैसे करते हैं, कोई भी डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको क्या बोलते हैं? चार तरीके हैं डेटा को, डेटा हाउ हाउ डू आई डिस्प्ले द डेटा। डेटा बोले तो कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज, कोई भी सर्वर से आने वाला डेटा, ये सब हम लोग कैसे कैसे डिस्प्ले करते हैं। पहले तो एक इनर HTML प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि हम लोग यूज नहीं करते, खाली टेस्टिंग पर्पस केसेस के लिए पढ़ रहे हैं अपन। क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता, पूरे डॉक्यूमेंट को राइट कर देता, पूरा डॉक्यूमेंट को ओवरराइट कर देता, मतलब ऑलरेडी जो टेक्स्ट वगैरह अपन ने लिखा हुआ है वो पूरा गायब हो जाता उससे। फिर बाद में विंडो डॉट अलर्ट जो है वो हम लोग ने नॉर्मली विंडो को, मतलब कोई भी अलर्ट डिस्प्ले करने का है तो अपन ने विंडो डॉट अलर्ट यूज किया था। और कंसोल डॉट लॉग, ये भी क्या होता है? ये भी यूआई पे नहीं दिखता है, मतलब तुम्हारे पेज पे नहीं आता है, कंसोल के अंदर आता है। और कंसोल के अंदर हम लोग ने बोला कि कंसोल में जब आता है ये, तो ये हम लोगों को हेल्प करता है डिबगिंग के पर्पस के लिए। तो सबसे पहले तुमको अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिला तो सब जगह कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेने का कि ये वेरिएबल में क्या आ रहा है, या फिर ये यहाँ पे ये लाइन के अंदर ये डेटा क्या मिल रहा है मेरे को, और उससे हम लोगों को अपना कोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। समझ में आ रहा? तो सबसे ज्यादा डेवलपर जो यूज करता है वो कंसोल डॉट लॉग प्रॉपर्टी यूज करता है। कंसोल डॉट लॉग से क्या होता, कोई इफेक्ट होता है क्या कोड में? कोड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कंसोल डॉट लॉग से। कंसोल डॉट लॉग इज जस्ट टू जस्ट फॉर डिबगिंग पर्पस, डिबगिंग पर्पस के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज होता है। डिबगिंग पर्पस के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज होता है। सो कंसोल डॉट लॉग इज ओनली यूज फॉर डिबगिंग पर्पसेस। लगाओ ना, तो क्या नहीं तो वो घर वाले में कैमरे का निकाल दो। हाँ निकाल दो ना, निकाल दिया ना कैमरा वो। अच्छा बैटरी नहीं चार्ज कर रहे ना, ठीक है। सो चलो, ये वाला हाँ आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स।
ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल्स। ओके, तो डिस्प्ले अपन ने किस तरीके का देखे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखे, विंडो डॉट अलर्ट देखे, कंसोल डॉट लॉग देखे और इनर एचटीएमएल देखे। ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या रहते हैं, वेरिएबल्स हम लोग जैसा कि सिंपल एग्जांपल दो, तो तुमने सबने मैथमेटिक्स करे होंगे या फिजिक्स पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे, तो वहां पे तुम लोग वेरिएबल्स बनाते थे। कौन से वेरिएबल्स बनाते थे? कुछ वेरिएबल्स बनाए क्या नहीं तुमने? टेंथ में मैथ्स पढ़े क्या सबने? X, Y, ये जो है X जो थे तुमने बनाए कि consider, assume X is equal to 1, 2, 3, कुछ तो भी करते थे तुम। तो वो जो X क्या बोलते थे तुम, X क्या बोलते थे तुम लोग, X क्या है, वेरिएबल है। सो X क्या है, वेरिएबल है। तो उसको क्या बोल रहे कि मैं एक ऐसा नाम ले रहा हूं, मैं एक ऐसा नाम बना रहा हूं, जैसे कि तुमने x को ऐसे ही बना दिया था ना, और उसके अंदर क्या डाला था, वैल्यू डाला था उसके अंदर, उसके लिए उसकी वैल्यू डाला था, बराबर करा गया। तो तुमने करा गया रे x y किया क्या नहीं? हाँ, तो x y ये जो है इसको क्या बोलेंगे, अब वेरिएबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे नॉर्मल इंग्लिश में वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ नेम विच इज यूज टू रेफर अ वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू देने के वास्ते अपन क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल इज अ नेम विच इज यूज टू रेफर अ वैल्यू प्रीति म्यूट करो, वेरिएबल इज अ नेम विच इज यूज टू रेफर अ वैल्यू। अ वेरिएबल इज रिटन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर। जनरली अंडरस्कोर यूज करते हैं, मगर अंडरस्कोर यूज नहीं करना चाहिए, बेटर है कि वेरिएबल का नाम जो है, जैसा कि एक्स दे दिया तुमने, पहले तो एक्स वगैरह नहीं देना चाहिए, मीनिंगफुल देना चाहिए, जो काम के लिए तुम वेरिएबल बना रहे हो वो नाम देना चाहिए। जैसा कि अगर तुमने टोटल अमाउंट बोल के बना रहे हो तो टोटल अमाउंट ये वेरिएबल का नाम दे दिया तुमने। फिर बाद में जैसा कि तुम एरिया निकाल रहे हो तो एरिया एक वेरिएबल का नाम हो गया, एरिया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर एक ट्रायंगल का ट्रायंगल सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, पाई आर स्क्वायर, सर्कल एरिया इज इक्वल्स टू
पाई इंटू आर, और आर भी क्या है, रेडियस, रेडियस बोलो या आर बोलो, तो ये भी क्या है, एक आर वेरिएबल है, बराबर समझ रहे हो, रेडियस का वेरिएबल लेते थे तुम, एरिया ऑफ सर्कल निकालते थे तो वेरिएबल लेते थे, लेट या फिर लेट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ऐसा कुछ तो भी लिखते थे तुम लोग, तो ये सब क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो। वेरिएबल के अंदर क्या रहता, वेरिएबल के अंदर क्या रहता, वैल्यू रहती, वैल्यू रहती, वैल्यू बोले तो क्या रहती, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, ये क्या हो गई, वैल्यू हो गई, या स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती, या पहले तो वेरिएबल दे सकते हैं। अब वेरिएबल में कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं वो आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन एटलीस्ट 1, 2, 3 नंबर कोई भी हो सकता, या कोई स्ट्रिंग हो सकता, या फिर एक्स वाई जेड और आगे पढ़ेंगे अपन, तो वो सब हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर नेम विच आर यूज टू रेफर अ वैल्यू, अ वेरिएबल इज रिटन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अल्फाबेट, नंबर से चालू नहीं हो सकता है वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तुम बोलोगे मैं 4xyz बोल के एक वेरिएबल बना रहा, तो नहीं चलेगा। वेरिएबल का जो नाम है जावास्क्रिप्ट में, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड बाद में तुम लोग उसको x1, x2, x3, 1x नहीं लिख सकते, तो 1x बोल के वेरिएबल नहीं बना सकते, x पहले बनाओ लेटर दो और बाद में 1 बोल के डालो तो वो वेरिएबल बनता, समझ रहा, x1, x2, x3, x4, a1, a2, a3 पैरामीटर 1, p1, p2, p3 ये सब क्या है, तुम लोग वेरिएबल के नाम कुछ भी दे सकते जो तुमने दिल में आया, बट ऑलवेज ऑलवेज गिव अ मीनिंगफुल नेम टू द वेरिएबल। जैसा अभी तक मैंने तुम लोगों को सब चीजें जो भी अभी तक बताया तो सब मीनिंगफुल लिखना, जैसा कि अभी फंक्शन का नाम भी अपन ने लिखे तो वो भी हमने कैमल केसिंग में लिखे, वेरिएबल्स का नाम भी कैमल केसिंग में लिखना। मतलब दो अगर आ गए वेरिएबल, जैसा कि यहाँ पे इसने अंडरस्कोर यूज किया, मेजरली अंडरस्कोर डेटाबेस का टर्म है, अंडरस्कोर तुम यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि तुमने टोटल अमाउंट ए कैपिटल कैमल केसिंग में लिख लेना, अंडरस्कोर भी नहीं डालना, अंडरस्कोर भी नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। रूल्स क्या क्या है, वेरिएबल कैन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, मस्ट बिगिन विद लेटर स्मॉल कैपिटल ए टू स्मॉल ए और स्मॉल ए टू और अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ये इससे बिगिन कर सकता है, नंबर से बिगिन नहीं कर सकता। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस, स्पेस तो हो ही नहीं सकती वेरिएबल के अंदर, समझ रहे हो, स्पेस नहीं रह सकती वेरिएबल के अंदर। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव बोले तो हाँ, मतलब अगर तुमने लिख दिया एक वेरिएबल बना दिया एक्स बोल के और उसको तुमने स्मॉल एक्स बनाया और नीचे तुम क्या कर रहे हो उसको कैपिटल एक्स प्लस वन बोल रहे, तुम बोलेंगे मैंने तो ऊपर एक्स डिक्लेयर करा, अरे भाई तूने ऊपर स्मॉल एक्स डिक्लेयर करा, यहाँ पे कैपिटल एक्स यूज कर रहा, वैसा नहीं चलता जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव बोले तो अगर तुमने वेरिएबल के नाम में ऊपर नीचे कैपिटल में स्मॉल में लिख दिया तो वो जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट टोटली अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा उसको। मतलब एक वेरिएबल ले लिया तुमने स्मॉल एक्स और एक वेरिएबल ले लिया कैपिटल एक्स, ये जावास्क्रिप्ट के लिए दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तुम्हारे लिए भले ही वो एक्स होगा, समझ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो ये नहीं बोलेगा कि तूने ऊपर एक्स डिक्लेयर कर दिया था, डबल तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक बार एक नाम डिक्लेयर कर दिया एक 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 फंक्शन के अंदर, अलग अलग फंक्शन में नाम सेम रख सकते तुम, लेकिन एक ही फंक्शन में सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते तुम, जावास्क्रिप्ट को कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या यूज करूं मैं, मतलब वो प्रैक्टिस के तौर पर नहीं बना सकते। और कुछ रिजर्व कीवर्ड है वो तुम लोग यूज नहीं करते, नहीं कर सकते, जैसा कि वैर, डिलीट, फॉर, लेट, इफ, ब्रेक, ये जो रिजर्व कीवर्ड है तुम इसको एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। तुम बोलेंगे मैं वेरिएबल बनाता डिलीट बोल के,
दिलीप तो ऑलरेडी कुछ तो भी वो जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहा, तुम बोलेंगे मैं एक वेरिएबल बनाता फॉर बोल के, फॉर लूप तो ऑलरेडी लिखना है ना तुमको, तो जावास्क्रिप्ट उसका फॉर और तुम्हारा फॉर कैसे डिफरेंशिएट करेगा। सो कभी भी नेवर यूज द रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल नेम्स, रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं करना। रिजर्व कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, वेर, फॉर, लेट, ब्रेक, वॉइड, केस, डू, स्टैटिक, फंक्शन। ये तुम बोलिए मैं एक वेरिएबल बनाता फंक्शन बोल रहे हो, फंक्शन तो ऑलरेडी एक कीवर्ड है ना, तुम फंक्शन बनाने के वास्ते फंक्शन लिखते पहले फिर फंक्शन का नाम देते, तो वो नहीं कर सकते तुम इसमें। तो जैसा तुम नंबर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, वैसे ही कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? एल्स, इफ, फाइनली, तो ये सब वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये सब नाम खुद के कोडिंग के अंदर यूज करता है एज कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स को और रिजर्व वर्ड्स को तुम यूज नहीं कर सकते। इन जावास्क्रिप्ट वी डू नॉट स्पेसिफाई टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज इट इज डायनामिकली यूज बाय द जावास्क्रिप्ट इंजन। वी कैन यूज वेयर डेटा टाइप, इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एक्सेट्रा। प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, एरे, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या रहता है वो अपन नीचे आगे देखेंगे, लेकिन ये तुम याद रखो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से रहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बोले तो स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, तीसरा बुलियन। बुलियन बोले तो ट्रू फॉल्स। बुलियन बोले तो ये बुलियन एक बुल बोलकर साइंटिस्ट के नाम से आया था, जिसने ये ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, या जीरो और वन, जीरो और वन या ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक ही वैल्यू ले सकता हूं मैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बुलियन बोलेंगे। बुलियन में जीरो या वन या ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक ही वैल्यू होती है। ये बुलियन अपन ने पढ़े वाला है ना स्क्रैच में, एक्सप्रेशंस। मैंने बोला था तुम्हारा एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं, एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट टू ट्रू एंड फॉल्स। जो भी एक्सप्रेशन रहते हैं जो इफ के अंदर तुम डालते हैं वो किससे इवैल्यूएट होते हैं, ट्रू और फॉल्स से इवैल्यूएट होते हैं। और ट्रू और फॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं। बुलियन उसका डेटा टाइप क्या रहता, बुलियन। यहाँ पे स्ट्रिंग बोले तो डबल कोट्स में जो भी तुम लिखेंगे वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग। नंबर बोले तो जो भी तुम 1 2 3 1.5 1.6 ये भी नंबर है, डेसिमल में लिखो या नॉर्मल लिखो ये दोनों भी क्या है, नंबर है, नंबर ही रहेगा ये। ठीक है, 1.5 1.10 1.6 या फिर 100 या 1000 ये सब क्या है, नंबर्स है। स्ट्रिंग्स बोले तो डबल कोट्स में जो भी लिख देंगे तुम वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स हो जाएगा। बुलियन बोले तो सिर्फ दो ही वैल्यू ले सकता हो, या तो ट्रू या फॉल्स या फिर जीरो और वन दोनों में से एक। अनडिफाइंड बोले तो अपन देखेंगे, नल बोले तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड बोले तो उसको डिक्लेयर ही नहीं करने वाला है, वो वेरिएबल में कुछ डिक्लेयर ही नहीं करा हुआ है। अब डिक्लेयर नहीं करा हुआ है बोले तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयर कैसे करते हैं तुम लोग वेरिएबल? तो जावास्क्रिप्ट में, वैर वैर बोल के एक कीवर्ड है, उससे तुम क्या करते हो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बराबर। डिक्लेयर बोले तो जैसा फंक्शन को डिक्लेयर करा था अपन ने, फंक्शन को किसे डिक्लेयर करा था,
फंक्शन फंक्शन का नाम करली ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर, करली ब्रैकेट में ब्लॉक ऑफ कोड डाल के वो फंक्शन अपन ने क्या करा था, डिक्लेयर कर दिया था, मतलब बना के रख दिया था। यूज करा था क्या उसको? नहीं, कॉल कहाँ पे करा था? ऑन क्लिक के ऊपर हमने उसको कॉल करा था, कॉल अलग जगह से करा था, डिक्लेयर यहीं कर दिया था उसको। वैसी ही जो वेरिएबल्स हम लोग बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको वैर बोल के लिखते हैं। वैर, वैर कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे वैर नेम, वैर रोल, वैर प्राइस, ये दो, ये इस तरीके से उसने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। लेकिन जब डिक्लेयर करते वेरिएबल, उसको अपन वैल्यू दे रहे क्या? जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे, अभी यहाँ पे डिक्लेयर करे, इसको वैल्यू दिए क्या अपन ने? नहीं दिए वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहती। क्या रहती? जब वैल्यू तुम वेरिएबल तुमने बनाया और उसको वैल्यूज नहीं दिया कुछ भी, तो उसकी वैल्यू क्या रहती? अनडिफाइंड। इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इफ यू डोंट असाइन अ वैल्यू टू इट, इफ वी जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल एंड डोंट असाइन वैल्यू टू इट, देन द वेरिएबल वैल्यू इज अनडिफाइंड। Undefined. All these all are undefined. ये देखो यहाँ पर उसने these all are undefined. अभी initialization of a variable. पहले तो declare कर दिया initialization. Initialization बोले तो उसको value assign करना। अभी तो अपन ने खाली declare कर दिया, उसको value assign करा क्या? नहीं किया। तो अभी देखो यहाँ पे where role लिखा उन्हें और role number equal to 101. Equal to assignment से equal to बोले तो assignment operator बोले तो value assign करना उसको। किसको assign कर रहे हम लोग? ये example में किसको assign कर रहे अपन? Role को अपन कौन सी value assign कर रहे हैं? 101 ये क्या हो गई? Value। और where role क्या हो गया? Variable name, variable का नाम हो गया। और where क्या हो गया? ये JavaScript का keyword है जो कि क्या यूज होता है, डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है वेरिएबल को। कौन है प्रीति? म्यूट करो, अगर बोल नहीं रहे हो तो म्यूट करो। और कहां से आवाज आ रही? हाँ बोलो ना प्रीति, म्यूट करने के बाद बोल रही है सर। अनम्यूट करके बोलो, कुछ क्वेश्चन है तो। ओके हाँ हाँ ठीक है। अच्छा 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 म्यूट करो फिर। ओके तो किसी और को कोई क्वेश्चन है? कहाँ थे हम लोग? हाँ तो इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अभी देखो या तो तुम ऐसे भी इनिशियलाइज कर, पहले डिक्लेयर करो और बाद में असाइन कर दो सेम नाम यूज करके, नहीं तो जब तुम डिक्लेयर कर रहे तभी असाइन कर दो। वेयर रोल इज इक्वल्स टू 101, मतलब मेरा रोल नंबर 101 है। आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम रोल and I am assigning it a value of 101. ये यहाँ पे खाली declare करके छोड़ दूंगा तो ये line पे, मतलब ऊपर वाले line पे उसकी value क्या रहेंगी? Undefined. उसकी value क्या रहेंगी? खाली declare करके छोड़ दिया मैंने तो उसकी value क्या रहेंगी? Undefined. और नीचे जाके अगर ये line पे मैंने उसको देखा तो उसकी value क्या रहेंगी? 101. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, उसको डिक्लेयर भी कर दे रहा हूं और इनिशियलाइज भी कर दे रहा हूं, तो इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? 101. और तुम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो बिना वेयर कीवर्ड के, जावास्क्रिप्ट क्या करता, डायनेमिकली कर देता। लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है, बिना वेयर कीवर्ड के तुमने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में ये सब अलाउड नहीं है। पहले ये अलाउड था कि बिना वेयर कीवर्ड के भी तुम लोग क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज थी, वो खुद ही सब कर लेता था, वो उसको वेयर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उससे बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते थे जो हमने को समझने होते थे। बट अभी के सिनेरियो में, लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के वर्जन में या इक्मा वर्जन में,
ऐसे डायरेक्ट लिखना अलाउड नहीं है, समझ रहे हो? पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है। जैसा कि यहां पे अभी ये लाइन पे नेम की वैल्यू, नेम में क्या वैल्यू है? अनडिफाइंड। यहां पे क्या है? गीक्सी शो जो भी है, वेयर यहां पे डायरेक्टली उन्हें असाइन कर दे रहा हूं। तो स्ट्रिंग्स आर रिटन इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। जो भी स्ट्रिंग असाइन करते हैं हम लोग, वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। नंबर्स आर रिटन विदाउट कोट्स। नंबर जो है 101, 125.36, ये बिना कोट के लिखे जाते हैं, ठीक है? इफ यू पुट नंबर इन द कोट इट विल ट्रीट एज स्ट्रिंग। अगर तुमने ये नंबर को 101 को डबल कोट्स में लिख दिया तो वो क्या कंसिडर होगा? स्ट्रिंग कंसिडर होगा। ये देखो, इनिशियलाइजिंग है, वेयर आंसर इज इक्वल टू ट्रू, वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। अभी देखो, वेयर एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गीगी, ये सब करा उसने। अभी ना तुमको अगर एक ही लाइन में दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हो तुम, कॉमा सेपरेटेड। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, पहले यहाँ पे नाम डिक्लेयर किया और फिर कॉमा करके रोल नंबर डिक्लेयर किया। यहाँ पे वेयर एक ही बार लिखे, लेकिन फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू गीगी लिख दिए, कॉमा करे, कॉमा से मैंने दूसरा लास्ट नेम, ये वेरिएबल और ये एक वेरिएबल, ये नेम एक वेरिएबल, रोल एक वेरिएबल, ये इनको नेम को क्या असाइन कर दिया मैंने? गीगी शोज जो भी है, और रोल को क्या असाइन कर दिया मैंने? 101, समझ रहे हो? तो दो से तीन वेरिएबल एक साथ एक ही लाइन पे तुम लोग लिख सकते हो। कैसे करोगे वो? कॉमा सेपरेटेड करेंगे। कैसे करेंगे? कॉमा सेपरेटेड करेंगे। अगर तुमने एक वेरिएबल को दूसरी बार वापस से रीडिक्लेयर कर दिया तो पुरानी वैल्यू उसमें नहीं रहेंगी, समझ रहे हो? उन्होंने देखो यहाँ पे क्या करा, नेम भी डिक्लेयर किया गीगी शो, बाद में वापस से उन्होंने नेम लिखा यहाँ पे, तो नेम की जो नीचे वाली है ना वो ही रहेंगी, ऊपर वाली वैल्यू उसकी लूज हो जाएंगी, मतलब चले जाएंगी, समझ रहे हो? रीडिक्लेयरिंग, इफ यू रीडिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इट विल लूज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू चली जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएंगी। It will not lose this, अच्छा not lose this value है क्या? It will not lose its value, ठीक है ना? Not lose its value, ठीक है, इसकी not lose its value है ये। If you redeclare a variable, it will not lose its value। मतलब अगर तुमने वापस से, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग है, इसमें ये सब होता है, दूसरे लैंग्वेजेस में ये नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट बहुत डायनामिक, लेकिन ये ऐसा करना ही नहीं, तुम लोग ने ऐसा कोई करना ही नहीं कि तुमने वापस से एक वेरिएबल जो ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है उसको रीडिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं रहती। पहले तो बनाना है तो नया वेरिएबल बनाओ कुछ और, समझ रहे हो? रीडिक्लेयर कुछ भी मत करो, ऐसा सिनेरियो लाओ ही मत कि तुमको ऐसा करना पड़े। तुमको अगर समझेगा नहीं तो तुम लोग ऐसा चीजें करोगे कि तुम लोग नेम ऊपर भी बनाओगे, फिर नीचे भी बनाओगे, फिर और अंदर भी बनाओगे। वेरिएबल का नाम अलग अलग रखो ना, अगर तुमको अलग अलग चीजें चाहिए। सेम वेरिएबल का नाम लिखने से क्या है, प्रॉब्लम रहती है। तो नेवर 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 क्रिएट और रीडिक्लेयर अ वेरिएबल्स। The statements are executed one by one in the order as they are written. JavaScript में एक line के बाद दूसरी line के बाद तीसरी line के बाद चौथी line, ऐसा step by step execution of the program होता है, ठीक है? JavaScript programs and statements are always or often called as JavaScript code. Semicolon separate the JavaScript statement. मतलब मैंने यहाँ पे semicolon लिखा तो ये एक statement होता है, एक लाइन बोले तो एक स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, बराबर? एक लाइन बोले तो एक स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
और एक लाइन दूसरे लाइन से कैसे सेपरेट होती है? सेमी कोलन के थ्रू एक लाइन दूसरे लाइन से सेपरेट होती है, एंडिंग से स्टेटमेंट विद सेमी कोलन इज नॉट रिक्वायर्ड बट हाईली रिकमेंडेड। देखो यहां पर भी लिखे भी सेमी कोलन नहीं भी लिखे तो चलता है, सेमी कोलन नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि तुमने लिखना चाहिए, सेमी कोलन डालना चाहिए। जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस यूज लाइन ब्रेक एंटर की, मतलब हमेशा एंटर की जहां पर लगे वहां पर लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में कोई क्वेश्चन किसी को? जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में किसी को कोई क्वेश्चंस? ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के ऊपर अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। चलो अपन एक वीएस कोड में आ जाओ, सब लोग वीएस कोड खोलो। कल हम लोग ने डे टू का ब्रांच बनाया था और डे टू में मैं बार बार तुम लोगों को बता रहा हूँ, डेली अपने अपने चेंजेस कमिट करो, पुल करो, पुश करो, इससे तुम्हारी गिटहब में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि तुम रोज कोडिंग करते हो। डेली पुश कमिट, कमिट पुश, कमिट पुश, एटलीस्ट जितना क्लास में हुआ उतना तो भी वापस जाके करो, या मैंने जैसा बताया है डेली मैं जो कर रहा हूँ एटलीस्ट वो तो भी करो। किसी का मेरा जैसे सेटअप नहीं हुआ तो मेरे को बताओ, मैसेज करो क्या एरर आ रहा है बताओ। अभी मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये गिटहब का सिंबल है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो मैंने चार फाइल्स को चेंज किया, चार फाइल्स को कल चेंज किया। ये एक डिस्प्ले डॉट एच टी एम एल बनाया था कल मैंने, फिर बाद में मैंने ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया था मैंने, ये तुम्हारे फंक्शंस का कोड एक्सप्लेन करने के वास्ते, तो ये दो चीजें बनाई थी, प्लस मैंने ये डे टू के अंदर भी इमेजेस फोल्डर डाल दिया था। तो ये सब चेंजेस मेरे को अभी दिखा रहे हैं, ये मेरे लोकल पे चेंजेस है, ये चेंजेस को मेरे को कमिट करना है। तो पहले क्या करते हैं अपन, गिट ऐड करते, ऐड डॉट करते, तो यहाँ पे ऐड डॉट के वास्ते स्टेज ऑल बोल के है, स्टेज ऑल गिट ऐड करना बोले तो तुम क्या कर रहे हो, स्टेज कर रहे हो अपने चेंजेस। तो ये स्टेज करता हूं पहले मैं, तो स्टेज करने के बाद स्टेज्ड चेंजेस में आते, अब मैं ये फाइल को चेंज नहीं कर सकता, स्टेज चेंजेस आ सकते हैं। फिर चेंज के बाद स्टेज करने के बाद तुम लोग कुछ कमेंट डाल के डे टू चेंजेस बोल के डाल के कमिट करते हो, कमिट करते हो। तो मैं अभी कमिट कर रहा हूं मेरे चेंजेस, कमिट करने के बाद तुम अपने जो लोक अभी भी लोकल में चेंजेस है इसको मेरे को क्लाउड पे रिमोट पे पुश करना है, तो पुश करते हैं। तो ये देखो पुश कर रहा हूं मैं, वन पुश वन कमिट टू ओरिजिन, अभी यहाँ पे सिंपल कर दिया, बटन पे दिया, पहले मैं कमांड से कर रहा था, अब बटन के ऊपर, लेकिन इंटरनली ये बटन के क्लिक के ऊपर उन्हें विच कमांड फायर कर रहा जो अपन करते थे, समझ रहे हो, उन्होंने कोडिंग लिख के रखे लिए अपने वास्ते, समझ रहा, तो अपने लिए इजी जा रहा है। तो अभी मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूं, तो ये जो चेंजेस है मेरे ये इस ब्रांच में AJ02 डे टू ब्रांच में जाके क्या हो जा रही है, चली गई है वो ब्रांच में। अब एक बार ब्रांच में चली गई, अभी भी मेन ब्रांच में है क्या मेरा कोड? मेरे को अगर मेरा कोड मेन ब्रांच में डालने का तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मर्ज मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस फोल्डर में जाऊँ तो अभी मेरा कोड चेंजेस मेन में नहीं है, देखो ये मेन ब्रांच में डे वन ही है, लेकिन मैं अगर यहाँ से ब्रांच चेंज करता हूँ डे टू की ब्रांच में जाता हूँ तो इसमें डे वन भी है और डे टू भी है, बराबर। तो अब मेरे को क्या करना है, ये क्योंकि मेरा मेन जो ब्रांच है
वो मेन सब लोगों को एक्सेसिबल है, वो डिफॉल्ट ब्रांच है, उसमें हमेशा मेन ब्रांच में लेटेस्ट कोड होना चाहिए। लेटेस्ट कोड जो भी है, जो भी तुमने लेटेस्ट कोड किए वो मेन ब्रांच में होना चाहिए। तो अभी मेरे को मेरे डे टू के कोड के चेंजेस जो कि मेरे डे टू ब्रांच के अंदर है उसको मेरे को मर्ज करना है मेन ब्रांच में। तो मैं क्या करूंगा, ये पुल रिक्वेस्ट में जाऊंगा, क्रिएट अ कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे ये देखो कहाँ से कहाँ जा रहा हूं, मैं फीचर ब्रांच डे वन डे टू के अंदर से मेरे चेंजेस मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर रहा हूँ। तो मेजर ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूं मैं, कोई ना कोई मेरा पुल रिक्वेस्ट रिव्यू करता है, मेरा सीनियर जो भी बंदा रहेगा मैं उसको यहाँ पे टैग कर दूंगा, उन्हें आके देखेंगे अच्छा इन्होंने ये चार फाइल्स चेंज किए, उन्होंने ये डिस्प्ले डाला, ये फाइल्स चेंज किए है, ओके ठीक है मेरे को लग रहा है कि ये चेंजेस सही है या फिर उसने सही किए है, और मैं ये अपने आप को असाइन कर देता हूँ, ये मैं अपने आप को असाइन कर देता हूँ। लेबल में मैं डालता हूँ कि ये मैं बग फिक्स कर रहा हूँ या फिर मैं ये एनहांसमेंट का नया पेज डाल रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर या मैं बग फिक्स कर रहा हूँ। और फिर जब मेरा रिव्यूअर ने मेरा ये पुल रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया, या तो उन्हें अप्रूव करेगा या तो चेंजेस देगा मेरे को, मतलब मैंने कुछ तो भी गलत लिखा या फिर मैंने कोडिंग थोड़ी बहुत खराब लिखी है, उन्हें बोलेगा कि तूने कंसोल डॉट लॉग डाल के रखे वाला है वो खाली डिबगिंग पर्पस के लिए, वो निकाल पहले, तो उन्हें तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट या तो अप्रूव कर सकता है या फिर चेंजेस सजेस्ट कर सकता है। तो तुम्हारे जो भी चेंजेस उसने बंदे ने सजेस्ट किए हैं वो वापस तुम्हारे पास आते हैं, फिर तुमने वापस वो ब्रांच में वो चेंजेस करना जो भी उन्होंने बोला और वापस कमिट करना, तो लेटेस्ट चेंजेस तुमको और पुल रिक्वेस्ट में दिख जाएंगे, और उन्होंने जो भी कमेंट लिखा होगा उसको रिप्लाई करना कि बॉस मैंने ये फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद उन्हें वापस देखेगा तुम्हारा कोड चेंजेस और फिर उसको ठीक लगेगा तो उन्हें अपना पुल रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा, और जैसे ही उसने अपना पुल रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा तो अपन अब उसको मर्ज कर सकते हैं मेन ब्रांच में। क्योंकि ये प्रोसेस से क्यों गुजरना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा कोड जो मेन ब्रांच में जाता है वो लाइव चला जाता है, लाइव चला जाता है बोले तो कोड तुम्हारा लाइव चला जाता है, तो किसी ना किसी ने थर्ड आई ने उसको देखना, वो कोड को देखना, कि क्योंकि तुम कभी कभी कुछ खराब भी लिख सकते हो या कुछ सही भी नहीं लिख सकते हो या कुछ बेस्ट प्रैक्टिस तुमने फॉलो नहीं करे होंगे, तो ये सब कौन रिव्यू करेगा, कैसे रिव्यू करेगा। तो ये पूरा पीआर का प्रोसेस है, पुल रिक्वेस्ट का प्रोसेस है, जो कि तुम्हारा कोड चेंजेस प्रोडक्शन में जाने से पहले या मेन ब्रांच में जाने से पहले तुम्हारा कोड चेंज, तुम्हारा जो भी तुमने कोडिंग करे वो क्या होती है, रिव्यू होती है, रिव्यू होती है कोई ना कोई डेवलपर से या तुम्हारे सीनियर पर्सन से या तुम्हारे कलीग ने हर कोड, क्योंकि नहीं तो फिर अगर वो डायरेक्टली चला गया तो वो बग इंट्रोड्यूस कर सकता है, तुम कोई चीज मिस कर सकते हो या तुम कोई चीज गलती से भूल सकते हो, और वो क्या इंट्रोड्यूस कर सकता है तुम्हारे कोड में, तुम्हारे लाइव वेबसाइट में बग इंट्रोड्यूस कर सकता है या लाइव वेबसाइट ही फट जाएंगी, वो नहीं होना। इसीलिए हर कोई पीआर को अप्रूवल रहता है, हर कोई पीआर अप्रूव करने के बाद ही तुम्हारे कोड के चेंजेस मेन ब्रांच में मर्ज होते हैं, समझ रहे हो। अभी मेरे चेंजेस मेन में आ गए, देखो यहाँ पे डे वन भी दिख रहा है, डे टू भी दिख रहा है, लेकिन वो भी अभी भी लोकल पे आए क्या मेरे चेंजेस। अभी देखो मैं मेन ब्रांच में जाता हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं देखूंगा तो ये अभी भी मेरे डे वन ही है यहाँ पे बराबर मेन, तो मेरे को अभी वो जो चेंजेस हुए वो जो मर्ज हुआ वो कहाँ से हुआ, रिमोट से हुआ, रिमोट से हुआ बोले तो ब्राउजर के थ्रू हुआ, मेरे कंप्यूटर से हुआ क्या, मेरे लोकल से हुआ क्या, तो ब्राउजर के चेंजेस मेरे को सिंक्रोनाइज करना पड़ता अपने कंप्यूटर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, मैं गिट पुल कर रहा हूँ, गिट पुल कर रहा हूँ। तो पुल करने के लिए मेरे को यहाँ पे उन्होंने बटन दिया पुल करने के लिए, देखो ये एरो चेंज हो गया, ऊपर से नीचे आया, पहले एरो ऐसा था मतलब लोकल से चेंजेस क्लाउड पे डालने थे, अब चेंजेस क्लाउड के मेरे को लोकल पे लाना है, क्लाउड के चेंजेस या फिर गिटहब के चेंजेस जो रिमोटली हुए वाले हैं वो क्या करना है मुझे, लोकली लाना है। तो मैं यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज देखो यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, तो उन्होंने पुल कर रहा है, दो चेंजेस उन्हें पुल कर रहा है मेन ब्रांच से, तो मैं इसको सिंक्रोनाइज कर दूंगा। तो सिंक्रोनाइज करने के बाद अभी यहाँ पर मेरे पास डे टू के भी चेंजेस आ गए, जो मैंने क्लाउड से करा था अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं।
मैं रोज बता रहा हूं तुमको ये गिटहब, रोज ये रोज का काम है तुम्हारा, ऑफिस जाओगे तो ये रोज का काम है। पहले गिटहब से प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा तुम्हारा, पहले तो क्लोन करना, ऑलरेडी प्रोजेक्ट रहेगा वहां पे कंपनी के अंदर, ऑलरेडी प्रोजेक्ट रहेगा वहां पे कंपनी के अंदर, तुमको जाके पहले वो प्रोजेक्ट को अपने रिपोजिटरी पे अपने कंप्यूटर पे सबसे पहला काम गिट क्लोन करना पड़ता। गिट क्लोन करने के बाद तुमको उसको रन करना पड़ता, फिर तुमको अगर टास्क मिला तो एक नई ब्रांच बनाना पड़ता, वो ब्रांच पे जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता वो ब्रांच पे कमिट करते रहना पड़ता। जैसी तुम्हारा काम खत्म हो गया वैसी तुमने तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता, वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज करने के बाद तुम्हारा चेंजेस लाइव सर्वर पे जाते। समझ में आ रहा है? तो सब लोग डेली कमिट पुश करो, कमिट पुश करने से तुम्हारा, तुम ना ये जो तुम्हारा लिंक है तुम अपने रेज्यूम में डालोगे, ये रेज्यूम में डालोगे तुम, तो इंटरव्यूअर जब तुम्हारा, ये हर इंटरव्यूअर को पता है अगर तुम डेवलपर हो और तुमने गिटहब यूज नहीं किया तो तुम कोई डेवलपर हो ही नहीं, तुमको कोई इंटरव्यू में सेलेक्ट करता ही नहीं अगर तुम्हारे पास गिटहब का अकाउंट नहीं है, तुम डेली कमिट वगैरह नहीं कर रहे हो। अब जब उन्हें मेरा ये URL मेरे रेज्यूम में देखेगा तो उसको पता चलेगा, चल इसने 9 रिपोजिटरी तो बनाया, इन्होंने जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करा, रिएक्ट की प्रैक्टिस करा, CSS की प्रैक्टिस करा, HTML की प्रैक्टिस करा, प्लस उन्हें यहाँ पे जाके मेरा प्रोफाइल भी देख सकता, यहाँ पे इसका प्रोफाइल देखेगा, और अब बाबी ने तो अक्टूबर से डेली कुछ ना कुछ कमिट करते जा रहा है। जब जब तुम कमिट करे, जब जब भी तुमने कमिट करे तब तब तुमने कॉन्ट्रीब्यूट करे, कॉन्ट्रीब्यूट करे बोले तो कोडिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करे बताता है, तो ये तुम्हारा लीगल प्रूफ है कि तुम डेवलपर हो, ये तुम्हारा लीगल प्रूफ है कि तुम डेवलपर हो और तुम लोग तुमने रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ तुमने कमिट करा हुआ है, रोज कुछ ना कुछ तुमने कोडिंग का काम करा हुआ है, ये प्रूफ है तुम्हारा। इवन 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 इंडस्ट्री में भी ये प्रूफ देखते, इवन इंडस्ट्री में भी देखते कि तूने रोज क्या करा, बता 8 घंटे काम करा ना, बता 8 घंटे में क्या कमिट करा, एक कोड लिखा होगा ना लाइन, एक लाइन तो भी कोड लिखा होगा 8 घंटे में, बता वो कहां पे कमिट है। तुम्हारा काम ही गिटहब में बतना, तुम्हारा काम गिटहब पे प्रूफ होता है, तुम्हारा काम डेट टाइम के साथ प्रूफ होता है। देखो यहाँ पे जनवरी में कब मैंने क्या किया था, फरवरी में कितने कमिट क्या नाम से किया था, 10 जनवरी को क्या किया था, 2 जनवरी को क्या किया था, हर छोटी से छोटी चीज का ट्रैकिंग गिटहब पे अवेलेबल है। तुम भी बता सकते हो, उन्हें भी बता सकता तुमको। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, अपना अपना कोड जो डेली प्रैक्टिस करते हैं वो गिटहब पे कमिट पुश करते रहो, डेली बता रहा हूं मैं, डेली डेली। तो आज अपन वापस से, अभी नया टास्क मिल गया मेरे को, नया टास्क मिल गया बोले तो अब मेरे को नई कुछ तो भी चीज करने का है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रांच बनाऊंगा। चलो अभी मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ, मैंने क्लोन कर दिया गिटहब रेपो, अब मैं एक नई ब्रांच बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू ब्रांच। मैं ये ब्रांच का नाम कैसे देते बोला मैंने, पहले तो फीचर मिल रहा तुमको काम करने के वास्ते, क्या बग मिल रहा, बग रहा तो बग लिखने का स्टार्टिंग में, फीचर मिल रहा तो फीचर, फीचर बोले तो नई फंक्शनैलिटी तुमको ऐड करने का है तुम्हारे पेज पे, बोले तो फीचर हो गया, फीचर ब्रांच बोलते हैं उसको, फीचर ब्रांच बना रहा हूँ मैं, फीचर ब्रांच बना रहा हूँ मैं, और फीचर ब्रांच के बाद मैं मेरे टास्क का नाम दे रहा हूँ। मैंने पहले तो जीरा बोर्ड पे मेरा जो टास्क का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, पहले मेरा प्रोजेक्ट का नाम है समझ लो, उसका शॉर्ट फॉर्म है AJ, तो फिर प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, फिर मैं मेरे टास्क का नंबर दे रहा हूँ, मेरा टास्क का नंबर होगा 1 2 3 4 कुछ तो भी, या फिर 3 4 6 कुछ तो भी, मेरे टास्क का नंबर होगा जो मेरे को टास्क असाइन हुआ है, वो टास्क का नंबर डालूंगा, फिर ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन टास्क के बारे में, एक आधा वर्ड, मतलब लॉगिन फॉर्म बोल के ऐसा नाम दूंगा। अभी मैं यहाँ पे, अभी मेरे पास लॉगिन फॉर्म वगैरह नहीं है, मैं ऐसे Day 03 नाम दे देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने ये ब्रांच बनाई, ये ब्रांच को मैं पब्लिश कर सकता हूँ, तो ये क्लाउड पे जाके पब्लिश हो जाएंगी, मतलब ये क्लाउड को पता चल जाएगा कि मैंने ये ब्रांच बनाई है, अब मैं कोडिंग करना चालू कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक नया फाइल बनाता हूँ day03, इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ index.html, और ये हैश लिखता हूँ, और ये सॉरी और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ, तो मेरे को ये टेम्पलेट आ जाता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, जावास्क्रिप्ट में हर एक लाइन जो भी है, पहले तो मैंने बोला जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सेमीकोलन से एंड होते हैं, हर एक स्टेटमेंट लाइन जावास्क्रिप्ट में कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, सेमीकोलन से हर स्टेटमेंट को सेपरेट आउट करते हैं अपन। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक H2 टैग ले रहा हूँ, H2 टैग में बता रहा हूँ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर बाद में P टैग लिया, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्या है, हाँ, लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट कोड बोले तो क्या रहता है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड या जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बोले तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट एक लाइन में रहता, एक स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से सेपरेट आउट रहता, बहुत बेसिक चीज है, समझने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, या ना समझाने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर बाद में मैंने क्या करा, एक पी टैग यहाँ पे खत्म हो गया, फिर मैंने एक डिव लिया पी टैग डेमो बोल के, उसको आईडी दिया डेमो, और इसमें कुछ है क्या कंटेंट, कंटेंट नहीं है, ये इसके अंदर कंटेंट मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, चलो देखो इधर बाद में बातें करो, स्क्रिप्ट टैग ये मेरे साथ करो सब लोग, स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, और मैं क्या वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेर अच्छा XYZ लिया, चलो XYZ लेते हैं, X, Y, Z एक ही साथ मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा हूं, और सेमीकोलन डाल दिया, मतलब मेरा ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, वेर X, Y, Z ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट वन, फिर X = 5 बोला मैंने तो, और सेमीकोलन डाला, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट टू, y = 6 बोला मैंने और सेमीकोलन डाला, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट थ्री। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सा आईडी लूंगा यहाँ पे, डेमो, इसके बाद डॉट क्या लूंगा, डॉट इनर html इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, एक्स प्लस वाई इसको दे देता हूं, मतलब एक्स क्या है 5, वाई क्या है 6, तो ये इनर html को क्या असाइन होगा, इनर, समझ रहा है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट 4, एक वन लाइन इज वन स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट इज अ जावास्क्रिप्ट कोड, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट मिलके क्या बन रहा, जावास्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट कोड बोलते हैं हम लोग, जो कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहे हैं हम लोग। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे डिबगिंग पर्पस के लिए अपन क्या करते, कंसोल डॉट लॉग लगाते, ठीक है,
कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा हूं मैं यार, x की वैल्यू देख रहा हूं, y की वैल्यू देख रहा हूं और z की वैल्यू देख रहा हूं। और मैं यहां पे x प्लस y करने के बजाय मैं क्या करता हूं, z इज इक्वल्स टू x प्लस y करता हूं। और यहां पे क्या करते हैं अपन, z के यहां पे x प्लस y लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, z लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस y का जो अपन ने डाला हुआ है वो हो जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फोर हो जाएगा। और ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फाइव। एवरी लाइन इन द जावास्क्रिप्ट इज वन स्टेटमेंट, इट इज सेपरेटेड बाय सेमी कोलन। बहुत माइन्यूटली बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुश्किल है फिर तुम लोगों का। हाँ वो भी स्टेटमेंट हो गया, सही है। तो ये स्टेटमेंट टू हो गया, अभी मतलब टू हो गया, फिर ये थ्री हो गया, फिर नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा को समझना इंपॉर्टेंट है कि हर एक लाइन एक स्टेटमेंट है। फिर मैं क्या, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड को मैंने क्या किया, तो यहाँ पे क्या लगता तुम लोग एक्स वाई जेड में क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे मैंने एक्स वाई और जेड को कंसोल डॉट लॉग करा, मतलब डिस्प्ले करा। कहाँ पे डिस्प्ले करा, कंसोल के अंदर। तो क्या लग रहा तुम्हारा, क्या वैल्यू आएंगी एक्स वाई जेड में, हाँ क्या आएंगी, एक्स की वैल्यू क्या है, फाइव आएंगी, जेड की अनडिफाइंड, एक्स की क्यू फाइव ऑलरेडी, तो एक्स वाई जेड डिफाइन तो करे तुमने, तो एक्स की वैल्यू कोई और ऑनलाइन एक्स वाई जेड में क्या आएगा, कोई बता सकता है एक्स वाई जेड में क्या आएगा? मेरा नेटवर्क गया था क्या? फाइव प्लस सिक्स, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। लाइन नंबर 20 पे मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। लाइन नंबर 20 पे मैंने एक्स की एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को कंसोल डॉट लॉग लिखा, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू क्या कंसोल होंगी? मैंने अभी जो तुम्हारा को पढ़ाया क्या पढ़ाया, हाँ क्या पढ़ाया मैंने, कौन सी किसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी, जेड की वैल्यू और एक्स की और वाई की, कहाँ मिले वैल्यू, कहाँ मिलते वैल्यू, कहाँ मिलेंगे वैल्यू, कहाँ लिखे तुमने वो एक्स की फाइव, कहाँ लिखे तुमने, हाँ बोलो भाईजान क्या रहेंगी एक्स वाई जेड की वैल्यू, हेलो हाँ तुम्हारी वॉइस बहुत कट रही है, तुम मैसेज में लिखो क्या रहेंगी, चैट में बताओ क्या रहेंगी एक्स की वैल्यू। मैंने लाइन नंबर, तुम्हारा को सबको कोड दिख रहा ना, ये लो बड़ा करता हूं कोड दिखाना। लाइन नंबर 20 पे मैंने एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू प्रिंट करवाया कंसोल पे, तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, वाई की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी और जेड की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, हाँ तीनों की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट होंगी, हाँ क्यों, वैल्यू असाइन नहीं करा ना मैंने लाइन नंबर 20 पे जब है उन्हें, तो एक्स की वैल्यू असाइंड है क्या, खाली डिक्लेयर करा ना मैंने, तो लाइन नंबर 21 के बाद एक्स की वैल्यू 5 होंगी। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहां पे करता,
अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहां पे x की वैल्यू कंसोल करता तो यहां पे x की वैल्यू 5 मिलेगी मेरे को, ऊपर मिलेंगी क्या? खाली डिक्लेयर करके छोड़े तुमने, असाइन थोड़ी करे, यहां पे तुमने ऐसा थोड़ी लिखे कि x इज इक्वल टू 5, यहां पे क्या हो रहा था फिर? यहां पे अब असाइनमेंट भी हो जा रहा था उसका, तो वहां पे तब वैल्यू आ जाती थी उसकी x 5 बोल के। समझाया ना मैंने तुमको पहले? अनडिफाइंड बिकॉज हाँ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, इसीलिए वो अनडिफाइंड रहेगा वहां पर। और अगर लाइन नंबर 22 पे एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी? ट्वेंटी टू लाइन नंबर दिख रहा क्या तेरे को? और y और z भी कंसोल कर रहा है यहाँ पे तो मैं क्या अनडिफाइंड मिलेंगी? y और z की वैल्यू अनडिफाइंड मिलेंगी। अब ये सेम कंसोल डॉट लॉग में नीचे लिख रहा तो लाइन नंबर स्टेटमेंट इसके नीचे लिख रहा तो आप क्या रहेंगी? और x की वैल्यू और z की वैल्यू अब हाँ। अब देखो ओपन विथ लाइव सर्वर करता मैं, देखो अब यहाँ पे 11 तो आ गया। इंस्पेक्ट करेंगे अपन, कंसोल करें ना अपन ने, तो कहाँ दिखेगा कंसोल में? देखो सबसे पहले क्या दिखा लाइन नंबर 20 पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, लाइन नंबर 20 पे क्या रहा? एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड, वाई की वैल्यू अनडिफाइंड, जेड की वैल्यू अनडिफाइंड। लाइन नंबर 22 पे क्या हुआ? x की वैल्यू मिल गई 5, y की वैल्यू अनडिफाइंड, z की वैल्यू अनडिफाइंड। लाइन नंबर 24 पे क्या हो रहा? x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 मिल रही, z की वैल्यू क्या मिल रही? अनडिफाइंड। लाइन नंबर 27 पे तुमको x, y, z तीनों की वैल्यू मिल रही। और लाइन नंबर उसके नीचे जो इनर HTML z लिखा मैंने, वो जो z में अभी 11 है वो क्या हो रही? इनर HTML को जाके असाइन हो रही, और इनर HTML को जाके असाइन हो रही, इसीलिए यहाँ पे ये P टैग के अंदर 11 दिख रहा मेरे को यहाँ पे। समझा कब अनडिफाइंड रहती वैल्यू, कब उसको वैल्यू मिलती? समझा तुम लोगों को सबको? स्टेटमेंट क्या रहता जावास्क्रिप्ट में? एक लाइन एक स्टेटमेंट रहता है जावास्क्रिप्ट में। किसी को कोई क्वेश्चंस ऑनलाइन? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एक्सक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स। तो व्हाट इज अ स्टेटमेंट? इंस्ट्रक्शन। अ इंस्ट्रक्शन इज अ कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट मिलके क्या बनते? जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनते। स्टेटमेंट्स आर सॉरी सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं स्टेटमेंट। अभी तुमने यहां पे एक ही लाइन में तीन चीजें लिखेंगे, लेकिन वो क्या है? पांच तीन मल्टीपल स्टेटमेंट है। भले ही मैं ऐसा लिखूं, भले ही मैं ये कंसोल डॉट लॉग को यहां पे लिख जाके ये सेमीकोलन के बाद ऐसा कंसोल डॉट लॉग लिखूं, तो भी क्या हो रहा? एक नहीं दो स्टेटमेंट हो रहे। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन से हर स्टेटमेंट सेपरेट होता होता, ऐसा एंटर मारने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो अभी क्या हो गया? ये स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट टू, सेमीकोलन से स्टेटमेंट सेपरेट आउट होता, ये स्टेटमेंट टू, ये स्टेटमेंट थ्री, ये स्टेटमेंट फोर, ये स्टेटमेंट फाइव वाई वाला, ये स्टेटमेंट सिक्स, ये स्टेटमेंट सेवन, ये स्टेटमेंट एट और ये स्टेटमेंट नाइन। ठीक है, कोई क्वेश्चन?
समझा क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते जावास्क्रिप्ट में, वैल्यू असाइन कैसे करते जावास्क्रिप्ट में, किसी को कोई क्वेश्चन है? सब लोग ये करके देखो, कंसोल डॉट लॉग वगैरह करके देखो अपने अपने सिस्टम में। हाँ बोलो। सिस्टम में करता क्या है मतलब? हाँ जैसा कि तुमने, हाँ अभी जैसा कि तुमने यहाँ पे, तुमने यहाँ पर ऊपर क्या करा, ऐसा जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे इनपुट लिया तुमने, ठीक है, एक इनपुट लिया यहाँ पर, जैसा कि अभी तुमने कैलकुलेटर बनाया समझ लो, कैलकुलेटर तुमने अच्छे से बना दिया, कैलकुलेटर का पूरा कोड अच्छे से बना दिया, एचटीएमएल में तुमने नंबर डाल दिया, एकदम जबरदस्त कैलकुलेटर का डिजाइन दिख रहा है तुम्हारा पेज के ऊपर, लेकिन वो डिजाइन काम काज क्या है अगर तुमने 1 + 2 लिखे और तुमको आंसर इश नहीं मिला तो? कैलकुलेटर कुछ काम का है क्या? अगर वन एक बटन एक तुमने यहाँ पे ऊपर एक कैलकुलेटर बनाया समझ लो, तुमने ये कैलकुलेटर बनाया मतलब ये जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाया समझ लो, तुमने ये यूआई बना दिया, ये तुमने यहाँ पर ऐसा एक एंकर टैग ले लिया या नैव टैग ले लिया, यहाँ पे 4, 5, 8 बटन बना दिए, ये 1, 2, 3 के बटन बना दिए तुमने, इक्वल टू बटन बना दिए, प्लस माइनस बटन बना दिए, ये कुछ के काम के है क्या? अगर तुमने यहाँ पे 7 लिखे, प्लस भी डाल दिए तुमने, 9 लिखे, इसका आंसर इतने दिया 9 उन्होंने, तो 7 + 9 ये इक्वल टू पे तुम्हारा आंसर ढूंढना पड़ेगा ना, तो जो लिखना है और ये जो बटन क्लिक के ऊपर तुम्हारा ये नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये कौन कर रहा है? ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है। तुम्हारा पेज अभी तक स्टैटिक था, कुछ भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, जब तक हमने एचटीएमएल और सीएसएस पढ़े थे ह्यूमन ने कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया था, खाली एंकर टैग पे क्लिक करने के बाद नया कुछ तो भी आ रहा था, इमेज तो स्टैटिक है, डिस्प्ले हो रही है खाली, फॉर्म तो फॉर्म भर रहे हो तुम खाली, फॉर्म कहीं जा रहा है क्या? फॉर्म की वैल्यूज को तुमको सर्वर पे भेजना है, कौन करेगा ये काम? जावास्क्रिप्ट करेगा। बटन के क्लिक के ऊपर तुमको एक पेज को हाइड और शो करना है, ये कौन करेगा काम? सीएस में से सीएसएस में पॉसिबल है क्या हाइड और शो करना? थोड़ा सा पॉसिबल है लेकिन बहुत डायनेमिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने कंटेंट को ऑटोमेटिकली, तुमने अभी एक कोई बटन क्लिक करा तो कुछ और होना, तो कुछ होना ऑन क्लिक इवेंट पे कुछ और होना, तो ये बिना जावास्क्रिप्ट के पॉसिबल ही नहीं है, पहले दिन ही बताया मैंने ये सब चीजें तुम लोगों को। हाँ अब मैं इक्वल टू लिख रहा तो इन्हें ने कैलकुलेशन करना ना, तो ये एक्स बोल के पहले एक्स में 7 स्टोरूंगा, फिर 9 स्टोरूंगा वाई में, फिर ये इक्वल टू पे जैसे क्लिक करूंगा मैं तो जेड आ जाएगा और उन्हें अपन यहाँ पे 16 डिस्प्ले कर देंगे, बराबर। और कोई किसी को? और किसी को कोई क्वेश्चन? चलो हाँ, तुम यहाँ पे बना भी सकते हो ये सेम का, मैं जैसे यहाँ पे बना रहा था, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, वो वैसा अपन बनाने ही वाले हैं कैलकुलेटर वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, पहले तो वायर देख लिया अपन ने, एक लेट बोल के भी है,
जो वैल्यूज होते हैं, दो तरीके के वैल्यूज होते हैं ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक तो फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज बोले तो नंबर, स्ट्रिंग, जो भी तुम बुलियन, ये सब क्या है, ये 1 2 3, ट्रू फॉल्स, ABCD, ये क्या है सर, वैल्यूज है ये सब, ठीक है, ये वैल्यूज है। तो वैल्यूज दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फिक्स्ड वैल्यूज और एक होते हैं वेरिएबल वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज बोले तो नंबर, स्ट्रिंग, ये सब हो गए फिक्स्ड वैल्यूज, और वेरिएबल वैल्यूज आर स्टोर यहाँ पे, इनको क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। जैसा कि तुमने यहाँ पे 10.50 लिख दिया, 100 एंड तो ये क्या हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, फिक्स वैल्यू, मतलब वो वैल्यू को मैं इनर HTML को असाइन कर दे रहा हूं, खत्म। उसको कोई डिक्लेयर वगैरह कर रहा क्या, नहीं, खाली ये फिक्स वैल्यू है। ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। अगर देखो अभी ये जॉन डियो है, मैंने ये जॉन डियो को सिंगल कोट में लिख दिया और वो उसको इनर HTML को असाइन कर दिया डायरेक्टली, तो ये क्या हो गई, फिक्स्ड वैल्यू हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट लिटरल्स वेरिएबल्स। तो अब अगर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज, जावास्क्रिप्ट यूजेस वैर, लेट एंड कॉन्स्टेंट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अभी हमने वैर ही देखा, एंड इक्वल टू साइन इज यूज टू असाइन द वेरिएबल्स टू द वैल्यूज टू द वेरिएबल। इक्वल टू साइन से क्या होता, असाइन होता। इक्वल टू बोले तो, इक्वल टू बोले तो ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इक्वल टू बोले तो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर बोले तो वो वैल्यू को वेरिएबल के अंदर को असाइन कर देता, ठीक है। तो अभी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर है, जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसा कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेड बाय, टू कंप्यूट वैल्यू। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे 5 + 6 × 10 करा, तो क्या होगा, पहले 5 + 6 होगा, कितना होता है 11, 11 × 10 बोले तो 110। तो ये पूरा बॉडमास रूल से ही अपने आप को काम करता है। बॉडमास रूल सबको पता है राइट, मैथमेटिक्स का बॉडमास रूल। मैथमेटिक नहीं पढ़े कह रहे तुम लोगों ने, हाँ भाई, इसलिए बोलता ऑब्सेंट नहीं रहने का। बॉडमास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर बाद में ब्रैकेट्स ऑफ लिखा हुआ है खाली ये, फिर डिवाइड, सबसे पहले प्रेफरेंस डिवाइड को रहता है, फिर मल्टीप्लाई को रहता है, फिर एडिशन को रहता है, फिर सब्सट्रैक्शन को रहता है। सबसे पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होती है, बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बॉडमास रूल, मैथमेटिक्स का 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ रूल। क्या रे भाई, अभी तो निकले तुम लोग, मेरे को तो जमाना हो गया। सो बॉडमास रूल से अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, जो बॉडमास नॉर्मल रूल है उसी से सब होगा। सो इसीलिए पहले ये दोनों का एडिशन हुआ और बाद में इनटू हुआ, क्यों, क्योंकि पहले उन्होंने बोला ब्रैकेट के अंदर का करो। अगर मैं इसको ब्रैकेट नहीं लेता था यहाँ पे तो क्या होता था, पहले मल्टीप्लाई होता था, मतलब 6 × 10 होता था 60, फिर बाद में क्या होता था 5 ऐड हो जाता था, मतलब 65 होता था वो। 1 0 10 आंसर आता था क्या, नहीं आता था, समझा। ये देखो निकाला, इसको देखो 65 आंसर आया। ब्रैकेट से बहुत फर्क पड़ता है, जस्ट लाइक अलजेब्रा वर्क करता है, अलजेब्रा की तरह ये वर्क करता है।
असाइनमेंट ऑपरेटर बोले तो मैं फाई को फाई फाई वैल्यू ये सिक्स एक्स वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ। ये फाइव क्या है, लिटरल बोलेंगे, ये फिक्स्ड है, ये फाइव जो फिक्स्ड है उसको मैं एक्स वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा हूं। अभी अगर तुमको दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो भी वो प्लस ऑपरेटर से, प्लस ऑपरेटर का नाम बिहेवियर डायनामिक है, मतलब प्लस ऑपरेटर जो है ये दो चीजों का काम करता है, एक तो एडिशन का भी काम करता है। हाँ, फाइव प्लस सिक्स देंगे तो क्या देंगे उन्हें, इलेवन, लेकिन अगर तुम दो स्ट्रिंग देंगे उसको तो उन्हें कॉन्केटिनेशन का काम करेगा। तो प्लस ऑपरेटर का अलग अलग काम है अलग अलग सिनेरियो में। ओके, तो प्लस ऑपरेटर इज अ अरिथमेटिक एडिशनल एडिशन ऑपरेटर व्हेन यू गिव टू नंबर्स टू इट, दो नंबर देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है राइट साइड का जो ऑपरेंड है अगर वो नंबर रहता है तो प्लस ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू नंबर। लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग देते हो और राइट साइड में भी स्ट्रिंग देते हो तो वो क्या इवेल्युएट करता है, क्या करता है, वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, मतलब कॉन्केटिनेट कर देता है। जैसा कि अभी समझ लो, मैं यहाँ पे तुम लोग को बताता हूं, वेर फर्स्ट नेम बोल के मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, एफ बोले तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू मैं क्या कर रहा हूँ अजर, और वेर ले रहा हूं मैं एक और वेरिएबल लास्ट नेम, या फिर मैं कॉमा करके दो वेरिएबल, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेर एल लास्ट नेम इज इक्वल्स टू समझ लो शेख डाल दिया मैंने। तो अभी मैं ये दो स्टेटमेंट में भी डाल सकता हूँ इसको, एक तरीका का ये है, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, और मैं क्या करता हूं वेयर फुल नेम इज इक्वल टू एफ नेम प्लस थोड़ा सा स्पेस, ये स्पेस प्लस एल नेम। अगर मैं फर्स्ट नेम और एल नेम डायरेक्ट लिख देता था तो उन्हें क्या कर देता था, अब मैं जेड के जगह क्या करता हूं यहां पे फुल नेम को डालता हूं। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करता हूं, ये स्पेस निकाल देता हूं, मैं प्लस कर रहा हूं खाली, तो अभी क्या होगा, मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्कल करता हूं, देखो ये अजर और शेख दोनों को मैंने जोड़ दिया, कॉन्केटिनेशन कर दिया, जोड़ दिया बोले तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम भी कौन करता, प्लस ऑपरेटर करता। प्लस ऑपरेटर को अगर नंबर देंगे तो उन्हें एडिशन करेगा, अगर उसको स्ट्रिंग देंगे तो उन्हें क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा। समझ में आ रहा क्या ये, अभी उन्होंने यहाँ पे जोड़ तो दिया लेकिन मेरे को वो अच्छा नहीं दिख रहा, उसके बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ और एक प्लस ऑपरेटर कर रहा हूँ और एक और स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, और बीच में मैं क्या कर रहा हूँ स्पेस डाल के थोड़ा सा दे दे रहा हूँ, तो उन्हें क्या कर रहा, स्पेस डाल दे रहा बीच में, अभी देखो ये ठीक दिख रहा, समझा गया। अच्छा, अगर मैंने ये देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है। अभी क्या करता है इंटरव्यूअर तुम्हारे एक्स को क्या करता है, ऐसा फाइव कर देता। अभी एक्स क्या है, अभी एक्स स्ट्रिंग है और वाई क्या है, नंबर है। अब जेड क्या बोल रहे तुम, लेकिन एक्स क्या है और वाई क्या है, तो आंसर क्या आएगा, अभी Z में क्या आऊंगा, 5 6 आएगा। कोई भी एक स्ट्रिंग हो जाता है नंबर में तो उन्हें कॉन्केटिनेशन के जैसा बिहेव करना चालू कर देता। हाँ, मतलब पांच को प्रिंट करेगा पहले, उन्हें यहां पे पांच लेंगे यहां पर और सिक्स देंगे और बोलेगा 56 है Z में, समझ रहे हो, तुम बोलेंगे 11 आना चाहिए आंसर लेकिन 56 आ रहा आंसर, तुम इंटरव्यूअर को बोलेंगे इसका आंसर 11 आता, 11 नहीं आता उसका आंसर। देखो ऑलरेडी तुमने कंसोल करके रखे वाला है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और कंसोल में जाओ,
पहले एक्स में वैल्यू 5 आई, वाई में 6 आई। ये देखो जो नंबर है ना उन्होंने ब्लू कलर में रखा नंबर को, और जो स्ट्रिंग है ना उसको 5। अभी देखो यहाँ पे जेड में 56 आया, समझा क्या? ये किसी को डाउट है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा। कोई क्वेश्चन किसी को? अभी अभी मैंने एक्स को 5 रखा, वाई को ये रखा, बाद में मैंने एक और वेरिएबल लिया, पी बोल के। पी को मैं क्या बोल रहा हूं? इक्वल टू जेड। पी को मैं क्या करता हूं? पी को मैं 89 बोल के वैल्यू देता हूं। हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, वायर क्यू बोल के एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ मैं, जेड प्लस पी बोल रहा हूँ। तो क्यू में क्या आएगा? क्या आएगा? 1189। 56, 5689 क्यों आएगा? और ये 11 और एडिशन हो जा रहा है, ऊपर एडिशन हो जा रहा ना, ऊपर तो दो स्ट्रिंग है ना, सॉरी ऊपर दो नंबर है ना, ऊपर दो नंबर है तो वो ऊपर एडिशन हो गया है ना, वो वहां पे 11 का कैलकुलेशन हो गया जेड के अंदर, तो जेड में 11 आएगा, 1189, 1189 रिजल्ट आएगा। इसमें क्यू में किसी को कोई क्वेश्चन? इसमें तुमको देखने का है तो कंसोल डॉट लॉग करके देखो, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग हमेशा यूज करना देखने के वास्ते कि ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू है क्या, समझ रहे? कंसोल डॉट लॉग बता चुका हूं मैं, ये डिबगिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जहां जहां तुमने कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा है, बार बार कंसोल डॉट लॉग लिखने की प्रैक्टिस करो तुम लोग, तुम्हारी आदत हो जाना कंसोल डॉट लॉग लगा के देखने की कि इसमें क्या आने वाला है। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, ये देखो ये इससे तुम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। अपन ने सीएसएस में और एचटीएमएल में कमेंट कैसे लिखते थे? हाँ, स्लैश बाद में स्टार्ट, तो ये क्या हो गया? सीएसएस में कमेंट हो गया, और एचटीएमएल में कमेंट, हाँ लेस देन साइन बाद में अंडरस्कोर के डैश 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 डैश, और फिर एंड भी उसका वैसे करने का। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर कमेंट करना है तुमको, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो ऐसा लिखने का। देखो मैंने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, देखो ये स्टेटमेंट वन बोले तो ये मैंने क्या किया, कमेंट किया, राइट? ये मैंने क्या किया, कमेंट किया। तो ये स्लैश स्लैश से क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तुम लोग कमेंट्स कमेंट्स क्यों यूज करते हैं अपन? हाँ, कौन सा लाइन क्या कर रहा है ये समझने के लिए, या दूसरा डेवलपर जब आके तुम्हारा कोड देखेगा तो तुम कमेंट लिख सकते कि मैंने ये फंक्शन इसके लिए लिखा, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट और इससे इंपॉर्टेंट। कमेंट्स क्यों यूज करते हैं तुम? जो सब सब में अपन जो कोड देखे तो उसे समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्या हाँ वो एक पार्ट हो गया। तो अपने को अपना लाइन ऑफ कोड समझाने के लिए हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं, और दूसरी पार्ट और दूसरी चीज कमेंट क्यों यूज करते हैं अपन? कमेंट डिस्प्ले शो डिस्प्ले पे शो नहीं करेंगे। हाँ मतलब अगर अपने को वो कोड, जो भी कमेंटेड कोड रहता है वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता क्या? नहीं करता। तो अगर मेरे को क्या आया यार, ये ना ऊपर के एक्स वाई जेड या फिर ये जो पूरा है ना, ये मेरे को चाहिए ही नहीं,
ये मेरे को चाहिए ही नहीं, ये मेरे मतलब ये दिखने के लिए यहाँ रहने दो, लेकिन मेरे ब्राउजर ने या फिर मेरे कोड ने ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करना, तो मैं ये कंट्रोल और बैक स्लैश दबाता हूँ, तो ये पूरे सभी लाइन को मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। तो अब मेरा जो है तो इतना कोड है जो काम का है, फर्स्ट नेम ले रहा मैं, लास्ट नेम ले रहा मैं, दोनों को मैं फुल नेम में डाल रहा और ये फुल नेम मैं इनर एचटीएमएल को असाइन कर दे रहा और वो इनर एचटीएमएल मेरे को डिस्प्ले कर दे रही। ऊपर का मेरा कुछ कोड काम का नहीं है, सिर्फ कंसोल कर रहा था, मैंने वो निकाल दिया। निकाल दिया बोले तो तुम डिलीट भी कर सकते, लेकिन मेरे को डिलीट नहीं करने का, मेरे को बस इतना है कि वो वहां रहने दो, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने वो कोड को इग्नोर करना। तो ऐसा काम बहुत बार काम लगता है तुम्हारे को कि तुम्हारे पूरा फंक्शन ही कमेंट कर देने का, जो कि ये फंक्शन अब यूज नहीं कर भाई तू, तो उस टाइम पर भी कमेंट्स करने का बहुत यूजफुल होता है, कमेंट्स यूजफुल होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अभी देखो मैं क्या करता है यहाँ पे, ये एफ नेम के जगह यहाँ पे कैपिटल एफ नेम करता, समझेगा क्या इसको, क्या एरर दूंगा, ये देखो यहाँ पे आया क्या, वो मेरा नाम इंस्पेक्ट करा मैंने, कंसोल में गया तो क्या दे रहा, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, स्मॉल एफ नेम इज नॉट डिफाइंड बोल दे रहा। क्यों बोल रहा वो, ये देखो ये एफ नेम उसको है क्या अपने कोड में कहीं में भी, कैपिटल एफ नेम है, स्मॉल एफ नेम है क्या, नहीं है, इसीलिए उन्हें क्या बोल रहा है, तो इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। स्मॉल केस में और कैपिटल केस में तुम बोलोगे कि उन्हें ऑटोमेटिकली समझ में आना जाना चाहिए, मैं कैसा बोल रहा, मैं थोड़ी मेरे को तो दिख रहा हूँ सेम है एफ नेम और, अरे भाई वो कैपिटल है स्मॉल है, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उसको वो समझ में आने वाला नहीं है कि वो स्मॉल लेटर है कि कैपिटल लेटर है। इवन तुम अगर ऐसा भी लिखेंगे, तुम अगर ये वी ए आर कैप में लिखता बोलेंगे, मैं तो वेरी लिखेंगे बोल रहे ना, तुम नहीं बोलता जावास्क्रिप्ट, केस सेंसिटिव है, कीवर्ड भी तुमको जो जैसा बोले वाला है वैसा लिखना पड़ता, तो ये वैर जो है स्मॉल में लिखना पड़ेगा तुमको, कैपिटल में नहीं लिख सकते तुम वैर। और ऑलवेज ऑलवेज यूज कैमल केस, कैमल केस में भी दो तरीके के कैमल केस है, पास्कल केस एक है जो कि अपर कैमल केस होती है और लोअर कैमल केस होती है, हम लोग हमेशा लोअर, पहले तो कैमल केसिंग बोले तो क्या रहता है, हाँ मतलब जावास्क्रिप्ट में पहले लोग क्या करते थे, हाइफन यूज करते थे, जैसा फोल्डर के नाम पे अभी भी हम लोग हाइफन यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब ये ऐसा रिकमेंडेड है कि तुमने कैमल केसिंग यूज करना, वो भी लोअर कैमल केसिंग यूज करना, समझ में आ रहा। पहले तो अपन वेरिएबल का नाम जो है, स्पेस तो चलता नहीं, अब स्पेस नहीं चलता तो कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा बीच में, तो मैं क्या कर सकता, हाइफन सेपरेट कर सकता, फर्स्ट डैश नेम ऐसा वेरिएबल का नाम लिख सकता मैं, बराबर हाइफन लिख सकता, लेकिन हाइफन इज नॉट अलाउड इन द जावास्क्रिप्ट, बिकॉज हाइफन क्या है, ये सब्सट्रैक्शन का भी सिंबल हो सकता है, तो तुम हाइफन नहीं लिखना कहीं भी जावास्क्रिप्ट में। हाँ हाइफन बोले तो क्या होता है, वो माइनस भी दिखता ना, तो हाइफन यूज नहीं करना। दूसरा है तुम अंडरस्कोर यूज कर सकते, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड है, जो डेवलपर्स पूरे दुनिया में कम्युनिटी बना के रखा हुआ है उन्होंने क्या बोलते हैं, ऑलवेज यूज पास्कल केस, वो भी लोअर पास्कल केस फॉर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज के लिए दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन फॉर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट द जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी फॉलोज लोअर कैमल केसिंग सिंटैक्स, लोअर कैमल केसिंग सिंटैक्स। तो देखो अंडरस्कोर भी लिख सकते, ये अलाउड है जावास्क्रिप्ट में, तुम ये लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर कैमल केस जो कि पास्कल केस है, मतलब फर्स्ट लेटर से फर्स्ट नेम एफ बी कैपिटल लिखा इन्होंने, एन का एन बी कैपिटल लिखा, लास्ट नेम एल बी कैपिटल लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर कैमल केस या पास्कल केसिंग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अपर कैमल केस या पास्कल केस बोलेंगे। और जनरली जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स टेंड टू यूज कैमल केस दैट स्टार्ट्स विद लोअर केस लेटर,
जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स हमेशा प्रेफर करते हैं इस तरीके का वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने का, जिसको बोलते हैं लोअर कैमल केसिंग, जिसके अंदर फर्स्ट लेटर स्मॉल केस में रहता है और उसके बाद वाले जो भी वर्ड रहते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहता है। किसी को कोई डाउट? मेरे को दिखना नहीं तुमने कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखते हुए। मेरे को अगर तुम बता रहे तो हमेशा फर्स्ट लेटर प्रैक्टिस बनाओ अपने पास, प्रैक्टिस या प्रोसेस बनाओ कि मैं हमेशा वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करूंगा तो पहला लेटर स्मॉल में लिखूंगा और दूसरे लेटर कैपिटल, मतलब लोअर कैमल केस में ही मैं अपना जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है, कल इसके आगे का करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक के? ये मल्टी लाइन कमेंट्स तुम लोग ऐसा देते हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? सिंगल लाइन कमेंट बताया, मल्टी लाइन कमेंट ऐसे देते हो, स्लैश स्टार और एंड में स्टार स्लैश। सर एक बार ये फर्स्ट नेम का बताओ ना, ये खाली इस पे वीएस कोड पे। हाँ ये क्या है? ये मैंने फर्स्ट नेम, ये देखो ये फर्स्ट नेम, हाँ ये लोअर कैमल केसिंग में लिखा मैंने, ये लोअर कैमल केसिंग में लिखा, ये फुल नेम मैंने लोअर कैमल केसिंग में लिखा, बराबर। जब भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, ये एफ नेम मैंने ऐसा नहीं लिखा, एफ कैपिटल एफ आई आर एस टी, मतलब नाम एफ लिखो या एफ नेम नहीं लिखा मैंने, ये एफ नेम बोले तो क्या हो जाता है, ये अपर कैमल केसिंग है, पास्कल केस हो जाता। मैं इसको ऐसा भी नहीं लिखा मैंने, स्मॉल एफ अंडरस्कोर भी नहीं लिखा मैंने नाम, मतलब वेरिएबल का नाम या ऐसा अंडरस्कोर वगैरह में नहीं डिक्लेयर कर पाते, मतलब कर सकते हो तुम, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावास्क्रिप्ट कोई एरर नहीं दे देता है, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर या एज अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट डेवलपर यू शुड ऑलवेज यूज लोअर कैमल केसिंग। लोअर कैमल केसिंग बोले तो जैसा कि ये एफ नेम हो गया, या फिर इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे भी दे सकता हूँ, नाम कुछ भी दो तुम, लेकिन हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल केस, बाद में जो नेक्स्ट वर्ड का लेटर रहेगा वो ऑलवेज कैपिटल में रहेगा। इसको पास्कल या लोअर कैमल केस, सॉरी पास्कल नहीं बोलते हैं, लोअर कैमल केस बोलते हैं। पास्कल केस बोले तो क्या रहता, अपर, हाँ मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल का नेम मैंने अपर कैमल केस में डिक्लेयर किया, अपर कैमल केस में डिक्लेयर किया मैंने, लेकिन अपर कैमल केस में नहीं डिक्लेयर करना है हमको, एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर हम लोगों को लोअर कैमल केस जो कि फर्स्ट एफ लेटर स्मॉल बाद में एन कैपिटल, यहाँ पे एल का लेटर स्मॉल बाद में एन कैपिटल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये फुल नेम, देखो ये फुल नेम को भी मैंने पास कर, अब तुम पहला लेटर एफ नेम को, सिर्फ फर्स्ट नेम को एफ शॉर्टकट भी लिख सकते हैं एफ नेम, अब इसमें भी मैंने एफ को कैपिटल नहीं लिखा, एन को कैपिटल लिखा, पहला लेटर स्मॉल, बाकी का जो नेम वगैरह आ रहा जो भी नेक्स्ट वर्ड आ रहा उसको मैंने क्या करा, कैपिटल से चालू करा, तो फर्स्ट नेम। तो अपने हिसाब से हर हर कोई सब लोग हर कोई अपना अपना प्रेफरेंस लेता है कि मेरे को कैसे वेरिएबल के नाम करना है, ऑलवेज प्रेफर टू यूज लोअर कैमल केसिंग। सर स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, थोड़ा देखिए ना। हाँ करो, तुमने वैर वैर दो बार लिखे लाइन नंबर 28 पे, दो बार वैर नहीं लिख सकते तुम,
अब यहाँ पे और क्यू के अंदर भी तुमने इक्वल टू लिखे और बाद में जेड प्लस क्यू करे, वैर के बाद इक्वल टू नहीं रहता, वैर के बाद वेरिएबल का नाम क्यू बोल के लिखना पड़ता है तुम्हारे को। अब रन करो। क्या देखना है, मतलब वही एरर आ रहा था ना, तुम वही बता रहे थे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम म्यूट पे हो। हाँ वही एरर आ रहा था सर। हाँ तो ठीक है ना, वो सर, तुम्हारा तुमको वो सही से लिखना पड़ेगा ना, ऐसे गलतियां नहीं करने का। और किसी को कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आ रहा है कोड रन करने में तो ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डालो या व्हाट्सएप मैसेज पे स्क्रीनशॉट डालो मेरे को। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी एरर है तुम लोगों को बताएं। वैसे वीएस कोड खुद रेड में तुम्हारा को एरर बताता है जहां जहां पे भी एरर है, तो अपना कोड एक बार अच्छे से देख लेना कि कहीं पर रेड मार्क तो नहीं दिख रहा है मेरे कोड में। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन? सबने ये प्रैक्टिस कर दिया? सब लोग ने अभी जितना हुआ वो प्रैक्टिस करो सब लोग, ठीक है? चलो इसके आगे का कल देखेंगे। ए वो किसी का लॉक रह गया वाला है, किसका लॉक है वो? नीचे घर का लॉक किसी ने ना गाड़ी को लटका के लाया था, पता नहीं कहां से लाया था।